दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2019 का जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है इसके बारे में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का अगर ध्यान से देखेंगे तभी दोस्तों हम लोगों का देश जो है इसके लिए फायदा होगा और हम लोगों का देश को बदलने की चांसेस है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को हो सकता है कि आपको शेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही दोस्तों चुनाव आता है तो हम लोगों के दोस्तों नेता जो होते हैं और हैं दोस्तों नेता, सभी नेता दोस्तों हम लोगों को ऑफर देते हैं। लेकिन दोस्तों जियो के जितना अच्छा ऑफर नहीं देते हैं। जियो फिर भी दोस्तों हम लोगों को जो है कोई 150 रुपये रिचार्ज करता है तो उनको दोस्तों अनलिमिटेड कॉल देता है या फिर कहें तो 1.5 GB 28 दिन तक फ्री देता है। लेकिन दोस्तों नेता का एक ऐसा ऑफर आता है, सुनने में तो दोस्तों अच्छा लगता है जब चुनाव आता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो हम लोग दोस्तों उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो ऑफर किया था देने के बारे में कि आप इलेक्शन में जीतने के बाद हम लोग को देंगे, तो दोस्तों हम लोगों को जो है वहां से दूर रखा जाता है। मतलब उन लोगों के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं दोस्तों उन लोगों से भी हम लोग मिल नहीं सकते। उस टाइम पे दोस्तों हम लोगों की औकात जो है हम लोगों को पता चलती है कि हम लोगों की औकात क्या है। इसलिए दोस्तों हमसे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों चुनाव आने वाला है तो आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप अभी आप आंख नहीं खोलेंगे तो उस टाइम पे दोस्तों आपको पछतावा होगा कि दोस्तों आपने आपका जो डिसीजन था कितना घटिया डिसीजन था। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस चुनाव में नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी बहुत दोस्तों ज़्यादा ऑफर लेके आएंगे और तरह तरह के ऑफर लेके आएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे हम कि इस चुनाव में दोस्तों किसी के भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑफर दोस्तों झूठा ऑफर है और कुछ नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अपने मन की सुने और आपको जो अच्छा लगे दोस्तों उसी को आप इस चुनाव में वोट देके नेता चुने। क्योंकि दोस्तों अभी बात करें राहुल जी की, राहुल जी दोस्तों कुछ दिन पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे मालदा आए थे वेस्ट बंगाल में और वहाँ पे दोस्तों आके जो है ममता बनर्जी पे खुलेआम हमला किया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों राहुल को ये पता नहीं है कि ममता जो है वेस्ट बंगाल में अगर कोई भी ममता के खिलाफ यहाँ वेस्ट बंगाल में आके दोस्तों कुछ कहता है तो नुकसान दोस्तों जो ममता का यहाँ पे बुराई करता है उसी का होता है। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे राहुल गांधी जो दोस्तों ममता पे हमला किए हैं यहाँ पे पूरा गलत डिसीजन है उनका, क्योंकि ममता ने इतना किया है बंगाल में। अगर आप ठीक से सर्च करके देखेंगे तो इंडिया पे किसी भी राज्य पे इतना जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो बंगाल पे हुआ है। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे इस चुनाव में जो है नेता लोग हर पार्टी को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं और दोस्तों आप लोगों के लिए ऑफर देते हैं और हम लोगों को समझते हैं बेवकूफ। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बेवकूफ नहीं होते तो आज पीएम नरेंद्र मोदी नहीं होता, उसकी जगह दोस्तों और कोई होता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो चुनाव आने वाला है 2019 का, इसमें किसी भी कीमत में नरेंद्र मोदी को दोस्तों नहीं चुनना है। उसको मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को नहीं चुनना है और साथ में राहुल गांधी को भी नहीं चुनना है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऑप्शन हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको चुने। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाला चुनाव में राहुल गांधी या मोदी के अलावा अगर कोई ऑप्शन हो तो उसको चुने दोस्तों, या फिर दोस्तों